नमस्कार, सुचिकांत कृष्ण में आपका स्वागत है। और देखिए मैं क्या लेके आई हूँ, कटहल। इसमें कटहल का सीजन है तो मैं देखिए क्या डालूँगी, कटहल का अचार। इसके लिए मैंने ये देखिए किलो कटहल लिया हुआ है, उसको काट लिया है, कुछ धो लिया है, साफ़ कर लिया इसको। इधर पानी रख दिया खोलता हुआ, और ये कटहल को इस पानी में डाल देंगे। 5 मिनट तक इसको बॉयल कर लेंगे, हल्का गल जाएगा तब इसको छलनी में निकाल देंगे। देखिए कटहल हो गया ये, और ये कटहल को मैंने मतलब वाला था तो उसको ठंडा भी कर दिया, बिल्कुल ठंडा हो गया। अब क्या करूँगी, इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि बिल्कुल देखिए इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो चुका है पूरा। और ये मैं इसमें डालूँगा। अगर हमें 1 साल तक रखना है तो हमें पूरा ऊपर तक तेल को फिल करना होता है, लेकिन अगर हमको अभी तुरंत अपना खाने के लिए आपको 15-20 दिन के लिए चाहिए तो इसमें तेल ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए हो गया है। और इधर मैंने ये देखिए मसाले लिए हैं, तो ये देखिए मैंने नमक लिया है, ये 1 बड़ा चम्मच चाहिए वाला नमक है, 1 टेबल स्पून। ये देखिए, और ये देखिए 1 छोटा चम्मच टीस्पून जो है इसमें हल्दी है, और 1 छोटा स्पून इसमें मिर्ची है। वो ज़्यादा मसाले इसमें नहीं पड़ते हैं कटहल के अचार में। और ये देखिए 2 बड़ा चम्मच पीली सरसों, मैंने पीस के और ये रखी हुई है, आप चाहें तो काली सरसों भी डाल सकते हैं, पर मैंने पीली डाली हुई है इसमें। और ये देखिए 1/2 चम्मच ही कलौंजी है, और ये 2 चम्मच ये सौंफ है जो मैं भून के पीस के रख लेती हूँ। 1 कप अभी तेल गरम किया है, ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। और इसमें थोड़ी सी हींग डाल देते हैं, ये देखिए इसमें हींग डाल दिए, हींग डाल दिए इसमें, इसको इसमें मिक्स कर देंगे। और इसको मिलाएंगे, तेल कम होगा तभी इसमें तेल और डाल देंगे। ये देखिए ये कटहल का अचार मेरा तैयार है। बस इसको मैं जार में भर के और 2-3 दिन कपड़े से ऊपर से बांध दूँगी जार को, और इसको धूप में रख दूँगी। तो अगर आपके घर धूप नहीं भी आती है तो थोड़ी बहुत तो धूप आती है, उसी में बांध के रख दीजिएगा। एक खाने लायक अचार में कोई गला हुआ है ये। और अगर हमें इसके आपको 1 साल पूरा चलाना है तो ऊपर तक तेल भर दीजिएगा इसके अंदर। और अगर आपको ऐसे ख़त्म मतलब अपना कम समय में ख़त्म करना है 15 दिन के अंदर, तो इसके अंदर हम ये देखिए विनेगर है वाइट वाला, ये विनेगर इसमें 1 चम्मच डाल देंगे, इससे ये ख़राब नहीं होगा। ये देखिए 1 चम्मच मैंने बड़ा डाल दिया है, ये देखिए उसको मिक्स करके इसको धूप में रख देंगे इसको। तो ये देखिए कटहल का अचार हमारा बन के तैयार है, और खाने का टेस्ट भी बढ़ाएगा। जब आप खाना खाइए, लंच डिनर जो किसी समय भी खाइए, तो बहुत ही अच्छा ये आपको लगेगा, ये टेस्टी भी बनता है काफ़ी। और मैं तो हमेशा बना के इस तरह का रख लेती हूँ, तो आप भी इसको बना के रख लीजिए। कटहल भी अच्छा इस समय आ रहा है, तो ज़रूर बनाइएगा। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा जैसे न्यू वीडियो आप तक पहुंच जाए। और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा कटहल का अचार डालने की विधि। और फुल वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।